गणतंत्र दिवस के अवसर पर रायबली के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में रैतिक परेड, पुरस्कार वितरण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल के साथ संपूर्ण परेड का निरीक्षण किया। सभी टोलियों ने क्रमवार मार्च भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल को उनके सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्गत प्रशस्ति पत्र दिया। रैतिक परेड में महिला पुलिस कर्मियों सहित ट्रैफिक पुलिस, आईटीबीपी की टोलियों सहित डायल 112 की मोटरसाइकिलों व पीआरवी वाहनों, फायर फॉरेंसिक टीम, रेडियो शाखा के वाहनों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में आईटीबीपी टोली को प्रथम स्थान व महिला पुलिस कर्मियों की टोली को द्वितीय स्थान मिला, जिन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड ग्राउंड में उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों व आम जन को संविधान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले स्कूली छात्र व छात्राओं को अंगवस्त्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रायबरेली से सारा समय लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभिवादन किया। प्रथम प्लाटून पूरे जोश खरोश के साथ मंच के सामने से गुजरते हुए आईटीबीपी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस श्री सुमित शिवराम जी कर रहे हैं बहुत सुंदर के प्रधान में तृतीय प्लाटून बहुत सुंदर आगाज चतुर्थ प्लाटून इसका नेतृत्व नागरिक पुलिस श्री सौरभ बालियान जी कर रहे हैं। पंचम प्लाटून इसका नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है महिला शक्ति की प्रतीक पारुल राठी के नेतृत्व में पूरे जोश के साथ मंच के सामने से गुजरते हुए श्री राम सजीवन जी कर रहे हैं। अब इसके बाद हर विषम परिस्थिति में रहने वाली 112 केस का नेतृत्व आरक्षण रविंद्र कुमार कर रहे हैं।